गाइज, हम सभी जानते हैं कि हमारी आँखें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। इस छोटी सी नाजुक सी आँख की वजह से हम दुनिया को देखते हैं। आज दुनिया भर में जो भी संभव हो पा रहा है वह केवल आँखों से देखकर ही कोई चीज़ महसूस की जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी आँखें उम्र बढ़ने से आँखों की रोशनी कम क्यों हो जाती है, आँखें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आँख के कितने भाग होते हैं और उनका काम क्या होता है। कॉर्निया, आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। इरिज, आँख की पुतली। इरिज का काम होता है अधिक मात्रा में बाहर से आने वाली रोशनी से बचाना। आपने देखा होगा अधिक रोशनी जब पड़ती है तो हमारे आँखें बंद हो जाती हैं। लेंस, लेंस के ही छोटा या बड़ा होने से निकट या दूर दृष्टि होती है। सस्पेंसरी लिगामेंट, इसका काम होता है लेंस के मांसपेशियों को आराम प्रदान करना। जब हम लगातार देखते रहते हैं तो यह लिगामेंट मदद भी करता है। एक्वस ह्यूमर, यह एक तरल पदार्थ है जो आँख को गोलाकार आकृति को अस्थायी रूप में रखने में सहायता करता है। विटेरस ह्यूमर, इसका भी काम होता है आँख को गोलाकार प्रदान करना। लेकिन यह रेटिना से जुड़ा होता है जिससे साफ दिखाई देने में मदद करता है। स्क्लेरा, यह आँख की ऊपरी लेयर होती है जिसका काम रोगाणुओं से बचाना है। कोरायड, यह आँख की दूसरी लेयर होती है जिसका काम सुरक्षा करना और गोलाकृति बनाए रखना है। फोबिया, आँख की तीसरी लेयर है जिसका काम आँख को दृष्टि प्रदान करना है। इसी में रेटिना पाया जाता है। रेटिना यही वह जगह है जहाँ हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो तस्वीर बनती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तस्वीर जो हम देखते हैं वह उल्टा बनती है और इसी उल्टी तस्वीर को सीधा बनाने का काम ऑप्टिक नर्व्स करता है जो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड, आपने आँख के सभी अंगों के बारे में जान लिया कि आँख के अंगों का क्या काम होता है। आइए अब हम जानते हैं कि दूर और नज़दीक दृष्टि क्यों होता है। सामान्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि में हमें सभी वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब आँखों पर रोशनी पड़ती है तो लेंस के द्वारा डेविएट होकर सीधा हमारी रेटिना पर पड़ता है और हमारी आँख का नंबर 6x6 होता है। नज़दीक दृष्टि दोष, नज़दीक दृष्टि दोष में जब आँख के लेंस पर रोशनी पड़ती है तो लेंस का आकार बड़ा हो जाता है जिससे जो हमारा तस्वीर है वह रेटिना पर न बनकर उसके पहले बन जाती है जिससे हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। अवतल का काम होता है रोशनी को दूर फैलाना, चश्मे के नंबर के अकॉर्डिंग। दूसरा, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि में जब रोशनी आँख के लेंस पर पड़ती है तो लेंस का आकार छोटा हो जाता है जिससे रेटिना पर तस्वीर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है जिससे हमें नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसके लिए हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। उत्तल लेंस का काम होता है रोशनी को अपनी तरफ खींचना, चश्मे के नंबर के अकॉर्डिंग। लेंस का छोटा या बड़ा होना यही कारण है नज़दीक और दूरदृष्टि का। तो गाइज, आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट सेशन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।